पर बलंद तरीन सलवात। सूरह फातिहा। माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रिल्लाहि फी कुल्ली मौजूद। नुक्तते दायरतिल वजूद। صاحب لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم ما سبق وفاته لمن علق المولن الحق بالحق عبل قاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ومظلومين ولعنة الله عليهم من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد تبارك تعالى في كتابه المبين وهو عز الصادقين قال الله حق الرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम सलवात। तमाम तारीफ और तौसीफ उस ज़ात वाजिब के लिए, उस ज़ात मुतलक के लिए, उस रहमान और रहीम के लिए, उस अल्लाह के आलम के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर शहान है। अजीजम, वो कितना बड़ा रहमान है, कैसा आका है, कैसा मौला है, हर इंसान हर मखलूक जानता है, क्योंकि उसने उसकी भी सदा सुनी है कि जो जमाने में सबसे ज्यादा कमजोर है। और जमाने में सबसे ज्यादा कमजोर क्या शय है? चींटी। अल्लाह ने उसकी आवाज को भी सुनकर लब्बैक कहा है। तो वो रहमान और रहीम, वो कादिर महाल, वो जमाने का आता करने वाला, वो रिस्क को तकसीम करने वाला, वो दुनिया का बनाने वाला, वो रहमान वो रहीम, वो करीमों का करीम, सूरह फुरात की 14 आयत में इरशाद फरमा रहा है इन्ना अकरमल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा इज्जतदार वो है जो सबसे ज्यादा बातकवा है, सबसे ज्यादा तकवा अख्तियार करता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इसी मौजू की तरफ हम मुतवज्जे हैं और इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी है कि खुदावंदे करीम, खुदावंदे मताल जो बता रहा है कि तकवा क्या है, और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जतदार वो है कि जो तकवा इख्तियार किया। तकवा के माने मैंने कल आपके सामने पेश किया था, खौफ इलाही और गुनाहों से परहेज। और इंसान के ऊपर ज्यादा असर करता है। गिजा का दारो मदार, जो गिजा हम खा रहे हैं वो कैसी है, इसका ज्यादा ईमान पर डिपेंड क्या है? गिजा। अगर गिजा अच्छी है तो ईमान अच्छा है, अगर गिजा अच्छी है तो हम परहेजगार हैं, अगर गिजा पाक पाकीजा है, हलाल है, तो हमारी नस्लें ताहिर हैं। गिजा किस मेराज का है, किस दर्जे का है? तो हमने जो कुछ भी दो दिन में आपके और मेरी गुफ्तगू जो जारी है,
गजा पर। इससे पहले कि मैं आगे बात को चलाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बयान करती चलूं। हम कौन हैं और ये दुनिया क्या है? हम खुदा के वो बंदे हैं कि जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा। ये दुनिया की मिसाल, मैं एक आपको मिसाल दे रही हूं, ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, हम स्टूडेंट हैं, हम एग्जामिनर हैं, एग्जाम देने वाले इंसान हैं। हमारे हाथों में पर्चे दे दिए गए हैं। पर्चा किसे कहते हैं? जिस पर एग्जाम लिखा जाता, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमारे हाथों में उस दिन दे दी गई थी जब से हम बालिग हुए हैं। अल्लाह ने हमारे हाथों में सप्लीमेंट्री दे दी है। मैं एक मिसाल बता रही हूँ, इस मिसाल तक अगर आपका जहन पहुंच जाएगा, खुदा की कसम बहुत महजूज होंगे आप और मैं एग्जामिनर है, एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले। दुनिया क्या है? एग्जामिनेशन हॉल। जो भी हम लिखेंगे अपने पर्चे पर लिखेंगे, जो भी हमने किया है अपने एग्जाम की सप्लीमेंट्री में लिखेंगे। अब यहाँ एक छोटी सी मिसाल, लाइफ में सभी स्कूल गए होंगे, थोड़ा सा अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में लेकर आ जाएं, एक पल को। अगर आप पेपर लिख रहे हैं, आपका एग्जाम है, तो क्या आप पीछे देख सकती है? नहीं। आगे देख सकती, पूछ सकती है किसी से? बिल्कुल नहीं। अगर आपने पीछे देखा, जो एग्जाम लेने आया है सर, वो आपको पकड़ लेगा, कहेगा आप चीट कर रही हैं, आपने चीटिंग की है। आगे वाली से पूछोगी, उसका पेपर भी रायगा, आपका पेपर भी रायगा हो जाएगा। यानी एग्जाम का रूल है, ना आगे देखो ना पीछे देखो, अपने पेपर में देखो कि लिखना क्या है। अगर सही से लिख लिया तो उसका रिजल्ट बेहतर आएगा, अगर लिखा गलत तो बेहतर नहीं आएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो उदाले जिंदगी को एग्जामिनेशन हॉल की तरह बनाया है। हम सब स्टूडेंट हैं, हमारे साथ सप्लीमेंट्री कर दी गई है। जो लिखेंगे वही पाएंगे, जो करेंगे वही मिलेगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब अगर मैं दूसरों की ऐब जुई करूं, दूसरों की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं, तो अल्लाह कहेगा किसी ने हक नहीं दिया तुम्हें, तुम अपना काम करो। तुम्हें किसने हक दिया दूसरे के बीच में इंटरफेयर करने का? हमारी आदत क्या है? हम अपने आप को देखते नहीं, जग को देखने पहले जाते हैं। पहले हमें अपनी मंजिलत पर देखना है, हम कहां खड़े हैं, आया हम एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे। जब एग्जाम लेने वाला आएगा, यानी मलकुल मौत हमसे जब पेपर लेगा ना, तो हम कहेंगे रुक जाओ, एक मिनट दे दो, एक मिनट, कुछ और भी अच्छाई निकले। कहेगा खबरदार, इतनी लंबी जिंदगी दी थी, तूने किया क्या? दूसरों की बुराई, दूसरों की गइबतें, दूसरों की एकजुई, दूसरों की नुक्ताचीनी। तो अजीजम, ये इंसान अगर इसी बात पर गौर कर ले कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, पूरी साल मेहनत करता है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उसका दिल कितना दुखता है। वो बार बार कहता है, अम्मा मैं तो पढ़ रहा था, बाबा मैं तो पढ़ रहा था, लेकिन क्या करूं, एग्जाम में वो भी सवाल आ गए जो मुझे बताए नहीं गए थे। तो अजीजम, ये है जिंदगी, ये एग्जामिनेशन हॉल है। आपको बेहतरीन एग्जाम देने, अगर एग्जाम में फेल तो आखिरत खराब, अगर एग्जाम में खड़े उतरे, पास हो गए, तो दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपका है। सलवा भेजे मोहम्मद। एक लुकमाए हराम गजा कैसे इंसान को चेंज करता है। और हम किसी भी बाजार में खड़े हो जाते हैं, कहीं से जा रहे हैं, पानी पूरी वाला नजर आया, खा लिया, चने चाट मिल गए, हमने खा लिया। अरे जरा से गौर फिक्र कीजिए कि ये लुकमाए हराम हमारे अंदर क्या चेंजेस कर सकता है। तकवा पे बात चल रही है। तकवा जब तक आपको नहीं आएगी, आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आपका लुकमा हलाल ना हो, आपका रिस्क हलाल ना हो। आइए एक छोटा सा वाकया आपके समाज के हवाले करूं।
दौरे अब्बासी में एक बहुत बड़े आलिम दीन, नाम था उनका शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई। शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई जो थे बहुत नमाजी, बहुत परहेजगार, बहुत मुत्तकी, यानी सब ये चाहते थे कि ये जो शख्स है ये हमारे बज़्म में आके थोड़ी देर बैठ जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाजी मंसूर का दीवाना, हाजी मंसूर का जमाना था, एक मर्तबा तारीख के जुमले हैं कि जो हाजी मंसूर था उसकी नजर उस पर थी। जुल्म और ज़ोर से खिलाफत खड़ा किया था इन लोगों ने, और आप सभी को पता है, डिटेल्स हिस्ट्री बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जब शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई को उसने देखा कि कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार और इतना बड़ा आलिम दीन है, क्यों ना इसे मैं ऑफर करूं कि ये मेरे बच्चों को पढ़ाए, मेरे बच्चों का उस्ताद बन जाए, क्यों ना इसे ऑफर करूं कि ये मेरी हुकूमत का काजी बन जाए। एक मरतबा उसने पैगाम भिजाया हादी मंसूर ने कि जाओ, जाकर शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई से कहो कि वो हमारे बच्चों के उस्ताद बन जाएं। ऐसा बाएतबार, ऐसा बेहतरीन अमल वाला, ऐसा बेहतरीन परहेजगार व मुत्तकी कोई आलिम नजर नहीं आता इनके अलावा। एक मरतबा शरीक इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। दिल में सोचा कि जो हुकूमत जुल्म ज़ोर पर खड़ी हो, अगर मैं उसका साथी बन जाऊंगा तो मेरा दीन खत्म हो जाएगा, मेरा ईमान तहवाला हो जाएगा, मैं हरगिज इसके बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। उसने इनकार कर दिया। जब दूसरी मर्तबा उसके पास एक शख्स आया, आके कहा कि खलीफा कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ के काजी बन जाएं। उन्होंने कहा, नहीं मैं काजी नहीं बन सकता हूं। फिर इनकार किया। जब हादी मंसूर को यह पता चला कि बार बार शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई इनकार कर रहे हैं, तो एक मर्तबा उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब दरबार में आए तो बड़ा ही खुसूसन अजीजम, ऐसे जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, उनका अंदाज यही होता है, सामने कुछ और पीछे कुछ। इमाम मूसा काजिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल, आप फरमाते हैं कि दो चेहरे वाले और दो जबान वाले इंसानों से बच के रहो। अल्लाहु अकबर, दो चेहरा और दो जबान, सामने कुछ पीछे कुछ, चेहरा भी बदलता रहता है इंसानों का। आपने देखा होगा, मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ, जो लोग मुझसे, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों की भीड़ में आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, तो लोग समझेंगे भाई आपा को इससे बहुत मोहब्बत है और इसे आपा से बहुत मोहब्बत है। लेकिन अगर वही औरत मजमा आम के अलावा कहीं मुझे अकेले में देखे तो मेरी तरफ मुतवज्जे भी नहीं होती। तो ये इंसान की हकीकत है, दो मुंह के, दो जबान के इंसान, दो चेहरे के इंसान बड़े ही घातक होते हैं। इनसे बचे, इन्हें कहते हैं मुनाफिक। वो भी मुनाफिक था, खलीफा था लेकिन मुनाफिक था। खड़ा हो गया, जैसे ही आए शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई, खड़ा हो गया, आइए आइए बैठिए, बड़े सुकून से बिठाया और कहा कि आए शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई, मैं आज आपको तीन ऑफर देता हूं, आपको तीन में से एक बात तो मेरी माननी ही पड़ेगी, या आप मेरे इस खिलाफत के काजी बन जाएं, मेरी इस हुकूमत के काजी बन जाएं। उन्होंने कहा, हरगिज मुझे कबूल नहीं। कहा, तो फिर मेरे बच्चों के साथ बन जाए? कहा, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दीनदार था ना, ईमान वाला था। लेकिन जब उसने कहा कि अगर आप ये दो रूल नहीं मानते, दो मेरे ऑफर को नहीं मानते, तो एक ऑफर को मान लीजिए, आज रात मेरे दस्तरखान पर खाना खा लीजिएगा। शरीक इब्ने अब्दुल्लाह नकई ने सोचा, ये तो इजी बात है, एक दिन की बात है, खा लेता हूं, रोज रोज कौन इसके यहां खाने आएगा। एक मरतबा दस्तरखान बड़ा ही बेहतरीन सजाया गया। हादी मंसूर ने अपने खास शेफ, खास मखसूस जो खाना पकाने वाला बावर्ची था, उससे बेहतरीन गजा बनवाया। और दस्तरखान, एक बादशाह का दस्तरखान कैसा हो सकता है, बड़ा बेहतरीन तरीके से सजा हुआ था।
शरीक इब्न अब्दुल्ला को बुलाया गया। आप जैसे ही खाने बैठे एक मरतबा गजा की खुशबू आपके नाक में गई, बस भूख भड़कने लगी, इस तरह खाने लगे जैसे कभी खाया ही ना था। ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया। एक मरतबा जब उसे इस तरह खाते देखा, हादी के खानसामे ने एक मरतबा आके कान में कहा, बावर्ची ने कान में कहा कि अरे हादी, अब ये बंदा हमारे चुंगल से निकल नहीं सकता, तुम इसके खाने के अंदाज को देख लो, ये खा कैसे रहा है, जैसे कई दिन से भूखा है। शेर हो गया, बेहतरीन तरीके से खा लिया, अब उठकर चला गया। गिजा किसकी थी? खलीफा की। खलीफा की गिजा क्या पाक थी, हलाल थी? बस एक मरतबा वो खाना खाने के बाद जो गए हैं शरीक इब्न अब्दुल्ला, अब उन्होंने खुद पैगाम पहुंचाना शुरू किया है, खलीफा मैं तुम्हारा काजी भी बनने तैयार, मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने भी तैयार हूँ। अब एक मरतबा जब उसने सब मसनत को अपनी तरफ कर लिया, सब ऑफर को मान लिया, तो नागहा एक मरतबा उसका जो वेतन था, उसकी सैलरी थी जो खजानची देता था, एक मरतबा वो सैलरी लेने गए, खजानची से कोई बात हुई, दोनों में अनबन होने लगी। खजानची ने गुस्से में कहा, क्या तुमने हमें गेहूं बेचा था जो इस आराम से पैसा मांगते हो, क्या तुमने कुछ हमें बेचा था? एक मरतबा शरीक इब्न अब्दुल्ला नकई कहता है, तू गेहूं की बात करता है, मैंने वो कीमती चीज बेच दिया है एक मरतबा के दस्तरखान पर खाना खाकर कि उसकी कोई मिसल नहीं थी। कहा क्या बेचा? कहा मैंने अपना दीन बेच दिया, मैंने अपना ईमान बेच दिया एक खाने के अवज में। तो अजीजम जब एक लुकमाए हराम इतने बड़े आलिम दीन को, जो कि जैयद थे, जो कि आलिम थे, जो कि मुत्तकी और परहेजगार थे, उनमें चेंजेस ला सकता है, तो जो दुकानों से हम खाना खाते हैं उसका क्या आलम होगा। इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं कि मेरा दिल मुतमाइन नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि जो मैंने दुआ की है खुदा ने उसे कबूल किया है या नहीं किया है। सलवात भेजे मां। जाहिर सी बात है अजीजम, सबसे ज्यादा इंसान कहां मायूस होता है? दुआओं पर। मेरी दुआ कबूल नहीं होती अजीजम, ना हमारे पास इल्मुल यकीन है, ना हमारे पास ऐनुल यकीन है, ना हमारे पास हक्कुल यकीन है। किस बिना पर दुआ कबूल होगी? कौन सी बिना? नीयत पाक है हमारी? हरगिज नहीं। क्या है नीयत है हमारी? कुछ भी नहीं। किसी का घर देख लिया, हसद हमारे दिल में, किसी का अच्छा देख लिया, बुराई हमारे दिल में। अरे हम कौन होते हैं किसी के सामान को देखते, किसी के घर को देखकर जेलसी फील करने वाले? क्या है हमारे पास? यहां एग्जाम दे रहे हैं, पर्चे में देखो, अपने पर्चे में देखो, अपने पेपर में देखो, अपनी सप्लीमेंट्री को फुल करने में लगे रहो, दूसरे पे जाओगे तो इससे भी हाथ धो बैठोगे। तो हमारा किरदार क्या है, हमारा अखलाक क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारा अखलाक क्या है, ये सब कुछ खुदा देख रहा है। वो पल पल की नजर रखता है। हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह हमारी जानिब नहीं देख रहा है? हमेशा देखता है। और चाहे हमारा ईमान कैसा है अजीजम, मुत्तकी अगर हम बन जाए तो हम अल्लाह के भी चहीते हो जाएंगे और मासूमीन के भी चहीते हो जाएंगे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आपने देखा होगा कि कितने लोग इतने नमाजी होते, इतने अच्छे होते हैं कि हमें उसका चेहरा बार बार देखने का जी चाहता है। क्यों? नूरानी चेहरा हो जाता है। और नूर ऐसे ही नहीं आता है, खलवत और तनहाई में खुदा की इबादत करने से नूर आता है। तनहाई में अल्लाह को याद करने वाला सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। मैंने अभी एक जुमला आपसे कहा कि जितने हम मुत्तकी बनेंगे उतने हम मासूमीन के करीब जाएंगे। मुत्तकी के माने मैंने आपको बता दिया, खौफ इलाही और गुनाहों से परहेज।
अगर गुनाहों से परहेज करेंगे, क्योंकि खुदा खुद कुरान में कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। यानी कि अगर कोई गुनाह कर रहा है तो वो मासूमीन से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि हर रज से, हर नजासत से मासूमीन को पाक और पाकीजा कर दिया। जब खुदा ने कह दिया तो भला किसकी मजाल कि इस बात को रद्द कर सके। अल्लाह कहता है मासूमीन पाक और पाकीजा है, बातहारत है और ऐसे ताहिर हैं कि उनके करीब कोई नजासत जा नहीं सकती। तो आप बताएं अजीजम, हम अपने जिस्म की नजासतों को तो पाक कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी रूह आलूदा है, जो हमारी रूह गंदी है, जो हमारे नफ्स गंदे हैं, उसे कैसे पाक करें? किस तरह से नफ्स पाक होगा? शैंपू से, साबुन से? नहीं अजीजम, इबादत खुदावंद आलम से, वो भी अखलास के साथ। खुदा सूरह गाफिर की 14 नंबर की आयत में इरशाद फरमाता है फद अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सलवात भेजे मोहम्मद वाल। जिसका अखलास अच्छा होगा, अखलास बेहतर एक मेयार है इबादत का। मेयार किसे कहते हैं अजीजम? माप। हर इंसान का एक मेयार होता है। अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि इबादत के मेयार को इखलास कहते हैं, खुलूस कहते हैं। और जितना खुलूस होगा, नीयत पाक होगी, उतनी मारफत बढ़ेगी, और जितनी मारफत बढ़ेगी उतनी तकवियत आएगी, उतना ये इंसान मुत्तकी बनेगा। अजीजम मुत्तकी इंसान का जबान, दिल, जिस्म, हर चीज मुत्तकी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इबादत कर रही हूं तो मेरी जबान हुल सुलूल बकती रहे, ये नहीं कि मैं नमाज शब पढ़ती हूं तो मैं कानों से दुनिया की बुराई सुनती रहूं। नहीं, मैंने कल कहा था कि अपने आप को वक्त कर दो मौला के लिए। मेरे मौला, ये जबान आपकी, दिल आपका, जहन आपका, दिमाग आपका, अक्ल आपकी, मेरा वजूद आपका, जो कुछ भी हो मैं आपकी हूं मौला, जो भी करूं आपकी इजाजत से करूं, सलवात भेजे मोहम्मद वाल। एक छोटा सा वाकया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह मुत्तकीन को पसंद करते हैं। मौला कहते हैं मुत्तकी पहले बने फिर वो आजादार बने, यानी पहले मुत्तकी बनो फिर आजादार बनो इमाम हुसैन के। हम क्या करते नहीं आजादारी करेंगे, मुत्तकी रहे ना न रहे। हमने सुना है कि रोने वाले पर रुलाने वाले पर जन्नत वाजिब है। सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन ये दुनिया आजमाइश की जगह है। ऐसा ना हो कि किसी गुनाह के अवज में अल्लाह हमसे आजमाइश लेना शुरू कर दे। इसलिए खुदा की बारगाह में तौबा किया करें। अस्तगफार बेहतरीन आपके लिए एक तस्बीह है, जिससे हम अपने गुनाहों को अपने आप से बरतरफ कर सकते हैं। तारीख के जुमले हैं कि एक बीवी थी मदीना मुनव्वरा में, इमाम हुसैन का जमाना था। एक खातून थी, नाम था हबाबाए वालदिया। हबाबाए वालदिया जो थी वो मौला हुसैन से बहुत उल्फत रखती थी, बहुत मोहब्बत, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार औरत थी। हमेशा अपने घर से नमाज पढ़ती, मौला उस वक्त के इमाम थे, मौला की जियारत को जाती, अपने आंखों से मौला के चेहरे अकदस को देखती, पैरों का बोसा लेती और वापस आ जाती। उसका रोज का यही मामूर था, रोज का यही काम था, रोज उसकी ड्यूटी थी। आज अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि आखिरी हुसैन पर्दे में है, कितनी मर्तबा हमने देखा, कितनी मर्तबा आखिरी हुसैन की मोहब्बत है हमारे दिल में? नहीं, वो तड़प ही नहीं है, वो उल्फत ही नहीं है, वो मारफत ही नहीं है। अगर वो उल्फत, वो मवद्दत, वो मारफत आ जाए, खुदा की कसम मेरा मौला बड़े ही करीब है हमारे। कितनी मर्तबा ज्यारत हो जाती, लेकिन एक मर्तबा भी ज्यारत नहीं होती। वजह क्या है? हमारे गुनाह।
वो कहने को आप भी बेकसूर मैं भी बेगुनाह, लेकिन कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके अवज में आज हमारा वक्त का हुसैन, वक्त का अली, वक्त का मोहम्मद हमसे दूर है? क्यों? वजह हम खुद हैं, दूसरे को क्या बोलने जाए। तारीख कहती है कि हबाबा वालदिया जो थी वो बहुत मौला से उल्फत करती थी, बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत। अल्लाह हम सब के दिल में भी आखिरी हुज्जत इमाम हुसैन की इसी तरह मोहब्बत रखे और हम हमेशा अपने मौला से इसी तरह तरफ की साथ मोहब्बत रखे। और हमारा मौला आज जुमा है, आज के दिन के सबके तसद्दुक से खुदावंद करीम इस मजलिस के सबके से हम सबको इमाम जमाना की जियारत नसीब करे। तारीख के जुमले के रोज जाती थी, लेकिन एक मरतबा वजू कर रही थी, वजू के बाद एक मरतबा आईने में अपनी सूरत देखी। जैसी सूरत देखी तो उसने अपने माथे की तरफ देखा, माथे पे कुछ बर्स के निशान आ गए थे, एक सफेद दाग आ जाता है इंसान की स्किन पर, उसके माथे पर आ गए। अब वो मौला की जियारत को जाना उसने छोड़ दिया। लोगों ने कहा आया हबाबा वालदिया क्यों नहीं जाती मौला की जियारत को? कहा मैं कैसे जाऊं, अगर कोई मुझसे सवाल कर ले कि तू तो हुसैन का चेहरा देखती थी, तू तो इमाम हुसैन की जवार थी, तुझे ऐसी बीमारी लाहक कैसे हो गई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अजीजम आज का जमाना ऐसा ही है, अगर कोई बेचारा मुत्तकी परहेजगार है, नमाजी है, शब का पाबंद है और उसकी औलाद नहीं होती ना, तो हमारी जबान क्या कहेगी? नहीं ये तो इतनी बड़ी नमाजी ऐसी औलाद क्यों नहीं हुई, ये तो इतनी बड़ी नमाजी इस पर ये परेशानी क्यों आ गई? तो अजीजम याद रखिएगा जो मोमिन होता है इम्तिहान अल्लाह उसी से लेता है, उसी को ये मर्तबा देता है कि वो उसकी आजमाइश पर खरा उतरे। तारीख कहती है कि वो तड़पती रहती रोती रहती लेकिन मौला की जियारत को नहीं जाती। लेकिन मेरा मौला हुसैन भी तो करीम इब्न करीम है, एक दिन मौला ने अपने गुलाम से पूछा हबाबा क्यों नहीं आती? कमाला हमने सुना है कि उसके बर्स का निशान आ गया है। मौला ने कहा आज मगरिब के बाद हम खुद जाएंगे उससे मिलने। देखिए किस्मत, देखिए ऐसी भी खातून दुनिया में है कि जिनके मुंतजिर इमाम हुसैन है, जिनसे मिलने के लिए इमाम बेताब है। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा होगा, क्या बुलंदी होगी, क्या मेराज होगी, क्या इबादत होगी, क्या अखलाक होगा, क्या मुखलिसाना इबादत होगी, नीयत कितनी साफ होगी जिससे मोहब्बत हुसैन करे। कम मैं जाऊंगा आज उससे मिलने। तारीख के जुमले हैं शबाई, मौला ने मगरबाइन पढ़ लिया, अपने गुलाम को लेके हबाबा के घर आए। हबाबा ने जो देखा मौला आए, उसकी खुशी और मसरत की इंतहा न थी। एक मरतबा कदमों पे गिरी, मौला आप मुझे बुला लेते मैं आ जाती, मेरे सरकार आप क्यों आए? आपने फरमाया अरे हबाबा जितनी मोहब्बत तू हमसे करती है तेरा मौला भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है, अरे हबाबा आती क्यों नहीं? का मौला मेरे बाते पर बर्स का निशान आ गया है, ये बीमारी मुझे हलाके कर दे रही है, ये बीमारी मुझे बेचैन कर देती है। एक मरतबा मौला ने कहा इतनी सी बात, फकत इतनी सी बात, तू तो मुत्तकी मोमिना है, तेरा ईमान यहाँ आके रुक गया? क्या तुझे तेरे मौला पर ईमान नहीं था? क्या तुझे तेरे मौला पे भरोसा नहीं था? वो रो के कहती मौला मैं आप पर से कुर्बान जाऊं, भला आप पर भरोसा न करूं तो किस पे करूं? मौला ने एक मरतबा अपनी उंगली को अपने मुंह में लिया, अपना लुआब दहन लिया और उसके माथे पर मलना शुरू किया और कहा जाओ हबाबा देखो अब वो बर्स का निशान कहाँ है। तारीख के जुमले हैं, उसने जैसे ही आईने में देखा वो बर्स का निशान जा चुका था। तो अजीजम जब मेरा मौला हुसैन अपने चाहने वालों से कैसी मोहब्बत करता है आपने देखा, एक औरत मुत्तकी थी परहेजगार थी, मौला उसकी बीमारी के अवज उसके घर गए उसे शिफा दिया, तो क्यों ना आज हम अपने वक्त के हुसैन को पुकारें, मौला आइए हम भी बीमार हैं, हमारे जहन बीमार हो चुके हैं, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हमारा वजूद गुनाहों में मुलव्वस हो चुका है, हम गुनाहों में इतने धस चुके हैं मौला कि हम आपकी मारफत को
रख नहीं सकते। हम आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहे मौला, हमारे जहनों की, हमारे अकलों की, हमारे दिल की, हमारे नफ्स की, हमारे वजूद की आलूदगी को खत्म कर दीजिए और हमें अपना मोमिन बना लीजिए, अपना चाहने वाला बना लीजिए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अजीजा मैं आज का अमल, क्योंकि मैं विदाउट अमल मजलिस तमाम नहीं करती, बेहतरीन अमल है, क्योंकि आज यकीन अल्लाह की जात से हर इंसान का कम हो गया है। यकीन को, भरोसों को अपने कायम और दायम करने के लिए, अल्लाह पर यकीन रखने के लिए रोजाना 366 टाइम अल मतीनों की तिलावत करने वाला खुदा की जात पर भरोसा पालेगा, फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं होगी। वह अल्लाह से ऐसे वाबस्ता हो जाएगा जैसे बच्चा माँ से हो जाता है, ऐसे मानूस हो जाएगा, हर चीज खुदा की जात से मांगेगा। अजीजम मैंने मजलिस में एक जुमला कहा था कि जूते का तस्मा भी टूट जाए ना तो अल्लाह से मांगो। खुद अल्लाह कहता है कि तुम मेरे अहलो आयाल हो, मुझसे मांगो, मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी जात किसी और की तरफ मुतवज्जे हो गई तो मैं तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दूंगा, क्योंकि तुम गैरुल्लाह के पास जा रहे हो। अजीजम चंद जुमले मसाइद जो के माले मजलिस है, अल्लाह ने हम सबको रोने और रुलाने के लिए पैदा किया है। फातिमा की दुआ है हम, और फातिमा जब दुआ कर रही होगी तो उसने ये जरूर अल्लाह से उन्होंने कहा होगा, खुदाया मेरे हुसैन की आजादार जब फर्श आजा पर आए तो मेरे लाल के मसायब पर होते हैं। और बीबी जहरा ने दुआ की होगी, खुदाया इनकी मुसीबतों को दूर कर देना। अजादारों आज मैं कुछ मदीने की रुखसती यानी करबला जब वापस लुटा हुआ काफिला आया और लुटा हुआ काफिला जब मदीने पहुंचा है, चंद जुमले मसाइब आपके सामने बयान कर रही हूं। बहनों का मजमा है, तसव्वुर करना जो बहन अब्बास जैसे भाई के साथ, जो बहन हुसैन जैसे भाई के साथ मदीने से करबला गई थी, जब वापस आई तो फकत सज्जाद के अलावा और बाकिर के अलावा कोई बाकी न रहा। जैनब के ऊपर क्या बीतती होगी, जैनब पर क्या बीतती होगी। असदारों तारीख के जुमले हैं कि जब काफिला रहा होकर वापस करबला आया तो एक बीबी किसी कब्र पे रोती थी, एक बीबी किसी कब्र पे रोती थी, हर तरफ से वह हुसैना व हुसैनिया का शोर बरपा था। इमाम सैयद सज्जाद ने सोचा ऐसा न हो कि कोई बीबी हलाक होकर मर जाए। 3 दिन के बाद मौला सज्जाद ने कहा कि चलो मदीने चलते हैं। अजादारों मदीने जाने के लिए यजीद ने एक शख्स को साथ किया था जिसका नाम था बशीर इब्न जज़लम। तारीख के जुमले हैं कि एक मरतबा जैसे ही मदीने की सरहद आई तो सबसे पहले उम्मे कुलसूम ने नोहा किया और नोहा पढ़ के एक जुमला कहा, ऐ नाना के मदीने हमें कबूल ना करना, ऐ नाना के मदीने जब जनाब ज़ैनब ने नोहा सुना तो कहा, बेटा सज्जाद मैं मदीने में हरगिज न जाऊंगी, मैं मदीने में हरगिज न जाऊंगी। अगर मेरी सोहरा ने मुझसे सवाल कर लिया कि मेरा बाबा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। एक मरतबा मौला ने कहा, पुपी हुक्म कीजिए क्या चाहती हैं। आपने फरमाया कि मदीने के बाहर खैमे लगा दो और
बशीर से कहूं कि वो मदीने की गलियों में जाकर मना दी दे दे, काफिला लूट कर आ गया है, हुसैन मारे जा चुके हैं, अदादारों मदीने के बाहर खैमे लगा दिए गए। जिनकी आवाजें बुलंद है उन पर मेरा सलाम, पहुंच चुके हैं आप जहां मुझे पहुंचाना है आपको। खुदा की कसम जो बहन भाई रखती है ना, उन्हें ज़ैनब के मसाइब सुनाने की जरूरत नहीं। अगर वो ज़ैनब का तसव्वुर कर लेना तो रो रो के मर जाएगी। हाय शहजादी के दुख को क्या बयान करूं। अज़ादारों तारीख के जुमले की एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा खैमे में बैठी हुई है, सज्जाद खैमे के बाहर बैठे हुए हैं। बशीर कहता है कि मैं आलम अब्बास लिए चल रहा था, हर एक की नजर मुझ पर थी, मैं मदीने की गलियों को लांघता हुआ मोहल्ले बनी हाशिम तक पहुंचा। एक मरतबा मैंने देखा एक छोटी सी उम्र की बच्ची है कि जिसने जब आलम की जानिब देखा तो मुझसे पहला सवाल पूछा, क्या सच्चा अब्बास आ गए हैं। अज़ादारों में परेशान हुआ, बशीर कहता मैं परेशान हो गया, ये बच्ची कौन है? ऐसा लग रहा था, बशीर कहता है ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजे पे ही खड़ी रहती थी, ये दरवाजे पे ही खड़ी रहती थी। एक मरतबा बशीर कहता मैंने पूछा बीबी आप कौन है? उन्होंने लरसती हुई आवाज में कहा मेरा नाम सोहरा है और मैं यही खड़ी हूँ अपने अकबर का इंतजार कर रही हूँ। क्या मेरा अकबर आ गया? ए बशीर तू कहता काफिला आ गया, क्या मेरा शहर आ गया, क्या मेरे चचा पास आ गए? अज़ादारों बशीर रोने लगा। एक मरतबा बशीर कहता मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया कि कहीं बीबी की नजर न पड़ जाए। मैंने देखा बीबी ने अपने घर की जानी बंदर झाँक कर आवाज दी, चचा मोहम्मद हनफिया जल्दी आओ काफिला आ गया है। अज़ादारों मोहम्मद हनफिया घोड़े पे सवार हुए, बीबी कलीजों के साथ चली। तारीख के जुमले हैं, जैसे ही मोहम्मद हनफिया एक जगह पहुंचे जहां काफिला रुका था, किसी से पूछा कि मेरा सैयद सज्जाद कहाँ है? एक मरतबा मोहम्मद हनफिया को किसी ने एक बूढ़े शख्स की तरफ इशारा करके बताया ये है। मोहम्मद हनफिया रोने लगे, अभी घोड़े से उतरे नहीं मोहम्मद हनफिया, दूर से पूछते हैं ए बूढ़े क्या तू मेरा सज्जाद है? ए बूढ़े मेरा सज्जाद तो 25 बरस का नौजवान था, ए बूढ़े क्या तू मेरा सज्जाद है? एक मरतबा मौला सज्जाद ने सर को उठाया, आवाज दी चचा मोहम्मद हनफिया यकीनन मैं तुम्हारा सज्जाद हूँ। अज़ादारों अभी मोहम्मद हनफिया घोड़े पे ही थे और हैरानी से आलम में देख रहे हैं, ना बाहर जबान से निकला भला ये कैसे हो सकता है? एक 25 साल का नौजवान जिसके सर के बाल सफेद, जिसकी दाढ़ी सफेद, जिसकी कमर झुकी हुई, भला ऐसे कैसे हुआ? मेरे मौला सज्जाद ने बस एक जुमला कहा, शाम का बाजार था मेरी बुकी ज़ैनब का कुल्ला से, बस इतना कहना था। ज़ादार मोहम्मद हनफिया ने खुद को घोड़े से जमीन पे फेंका, कहा खबरदार सज्जाद ऐसे ना बोलो, मेरी बहन कहा शाम का बाजार कहा। तड़प के कहा चचा इसीलिए तो बाल सफेद हो गए, इसीलिए तो दाढ़ी सफेद हो गई, इसीलिए तो कमर झुक गई है चचा। अरे चचा मैंने आंखों से देखा है शाम का बाजार, शाम का दरबार, शाम का जिंदान। अज़ादार एक मरतबा मोहम्मद हनफिया रोती कहते सज्जाद मेरी वो बहन कहाँ है जो लुट कर आई है? आवाज दी खैमे के अंदर है। अज़ादारों मोहम्मद हनफिया खैमे की जानिब बढ़े, क्या देखा कि एक ज़हीफ़ा बैठी है पलट कराए, कहा लाल सज्जाद तुमने तो कहा ज़ैनब है, वहां तो एक ज़हीफ़ा बैठी है। एक मरतबा तलब के कहा अरे चचा वही आपकी बहन ज़ैनब है। अज़ादारों ज़ैनब
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزم جب روتی ہوئی آنکھوں اور آج جمعہ کا دن ہے, امام زمانہ ہمارے ساتھ آج سوگوار ہیں, ہماری آنکھوں سے تو اشک بہتے ہیں, امام کی آنکھوں سے خون روا ہو جاتا ہے. جب کوئی ذاکر شام کا بازار پڑتا ہے نا, امام زمانہ خون کی آنسو روتے ہیں. اے میرے اللہ, اس وقت کا واسطہ جب شام کے بازار میں چار سال کی سکینہ اپنے بعزت ذات کے قریب آئی, آ کے کعبہ اللہ سجاد شمر سے کہہ دے مجھے مارے, شمر سے کہہ دے مجھے تازیانے مار لے, شمر سے کہہ دے مجھے تماچے مار لے. لیکن جب بھی مجھے مارتا ہے ایک آواز اس گھوڑے سے دیتا ہے, جس گھوڑے کے سر سے چچا عباس کا سر بندہ ہے. میرے چچا کو تانا دے کے کہتا ہے عباس دیکھو میں سکینہ کو مار رہا ہوں. میرے چچا عباس کا سر تڑپنے لگتا ہے, اب اللہ سے کر دے میرے چچا کو اتنا نہ کر پائے. اے میرے اللہ, اس وقت واسطہ تو رونے والی آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اے میرے اللہ, ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب. فرما تقبل منا انك انت السميع العليم.